हाउ टू चेंज फेसबुक यूजर नेम या फेसबुक पेज लिंक को रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट हम फेसबुक ओपन कर लेंगे। फेसबुक ओपन करके वो जिस भी पेज का यूजर नेम या लिंक को रीनेम करना आप उससे पहले लॉगिन कर लेंगे। देन हमें और टेक्स्ट सॉल्यूशन करना, देन टेक्स्ट सॉल्यूशन क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट सॉल्यूशन आ चुका है। देन यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ नीचे देख सकते हैं योर पेज लिंक पे। अभी हमारा करेंट पे फेसबुक पेज लिंक ये शो कर रहा है हमारा फेसबुक पेज लिंक। अब हम इसे रीनेम करना, रीनेम करके कोई सिंपल ईजी सा रखेंगे। इसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र पे हमें फेसबुक को लॉगिन करना पड़ेगा। हम क्रोम ब्राउज़र पे फेसबुक सर्च कर लेते हैं। अब फेसबुक लॉगिन, फेसबुक को सर्च करने के बाद उस अकाउंट को लॉगिन करेंगे जिस पे आपका पेज है। देन हम अब उस पेज पे हमें स्विच करना पड़ेगा, उस पेज को हमें लॉगिन करना पड़ेगा। हमें टेक सॉल्यूशन का फेसबुक पेज लिंक रीनेम करना है। देन हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। ये हमारा टेक सॉल्यूशन। ये हमारा टेक सॉल्यूशन यहाँ से लॉगिन हो चुका है। देन हम यहाँ से सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाएंगे। देन हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते ही हमें ब्राउज़र से फेसबुक ऐप पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो इससे पहले हमें फेसबुक ऐप को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, या आप डिसेबल कर सकते हैं तो डिसेबल कर दीजिए, नहीं तो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम पहले इसे अनइंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम फेसबुक पेज सेटिंग ओपन कर सकें ब्राउज़र के थ्रू और पेज लिंक को रीनेम या चेंज कर सकें। तो हम इसे फेसबुक को हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। देन अब हम ट्राई करते हैं, फिर से हम फेसबुक पेज आइकन पे क्लिक करते हैं। देन सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाते हैं। देन फिर हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा फेसबुक ऐप को अनइंस्टॉल करते ही अब हमें क्रोम ब्राउज़र से ब्राउज़र के थ्रू हम फेसबुक सेटिंग को इजीली ओपन कर पा रहे हैं। देन हमें इधर लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे तो हमें जनरल पेज सेटिंग में हमें वो पेज दिख जाएगा, नाम जो हमारा टेक्स्ट सॉल्यूशन है और यूजर नेम जो भी हमारा यहाँ सेट नहीं दिखा रहे हो, यू हैव नॉट सेट योर यूजर नेम, या आप इसे सेट भी हो तो आप इसे रीनेम कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन दिखा रहा है। तो आप एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम में आप यहाँ पे जो भी यूजर नेम अवेलेबल हो आप रखना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ टेक, तो देख सकते हैं मस्ट बी लेटेस्ट 5 कैरेक्टर यूजर नेम होना ही चाहिए। तो टेक्स एस लिख रहा हूँ तो यूजर नेम अवेलेबल नहीं है। देन हम कुछ यहाँ पे नंबरिंग इंटर कर लेते हैं। अब जो भी यूजर नेम रखना चाहते हो चेक कर ले जो अवेलेबल है, देन उसे इजीली आप सेट कर सकते हैं। तब यूजर नेम टेक S048 यूजर नेम इज अवेलेबल है तो हम इसे सेट कर लेते हैं। देन हम सेव चेंज पे क्लिक करेंगे तो टेक सॉल्यूशन का यूजर नेम हमारा टेक S048 हो जाएगा और ये हमें पेज लिंक में भी सेम अपडेट हो जाएगा।
हमारा सेट नहीं हुआ, हम फिर से एक बार ट्राई कर देते हैं। टेकेस 048 देन सेव चेंज पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देख रहा हूँ फॉर योर सिक्योरिटी मास्टर यू इंटर योर पासवर्ड टू कंटिन्यू। यहाँ से फेसबुक पासवर्ड पूछ रहा है, देन हमें अपना जो भी फेसबुक आईडी से हमने लॉगिन किया था इस पे पेज को, उस फेसबुक आईडी का हमें यहाँ पासवर्ड इंटर कर देना होगा। देन हमने पासवर्ड इंटर कर दिया, देन हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यूज़र नेम यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है। यूज़र नेम में TechS048 आ गया और हमारा फेसबुक लिंक अब https://www.facebook.com/TechS048 होगा। सो इसी तरीके से हम अपने फेसबुक पेज को, पेज लिंक को रीनेम कर सकते हैं, यूजर नेम सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से ये हमारा टेक सॉल्यूशन हम देना फेसबुक पे क्लिक कर लेते हैं। देन टेक सॉल्यूशन, सो देख सकती है ये हमारा पेज है। सो हम इसी तरीके से फेसबुक पेज को यूजर नेम सेट कर सकते हैं, फेसबुक पेज को या लिंक कर सकते हैं, फेसबुक पेज लिंक को हम रीनेम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।